हमें तो आज किसी ने ट्राई दिया था, हमारे पीछे पीछे आ रहे थे तो अपने ही ध्यान में हम लोग थे वीडियो बना रहे, तो उनको लगा ये बिजी है, हम इनको डरा लेते हैं कि ट्रेन आ गई ट्रेन आ गई। और हम सच में डर गए थे फ्रेंड्स कि क्या सच में ट्रेन आ गई, हमें ट्रेन का आने का टाइम पता है, पर उन्होंने ऐसे ही चौंका दिया एकदम से कि ट्रेन आ गई, हेलो हेलो ट्रेन आ गई, तो डर के मारे हालत खराब हो गई थी। पर हम लोग वेट कर रहे हैं काफी देर से, ट्रेन नहीं आई है, अभी ट्रेन जाएगी 6:17 पे। वो देख लो, हेलो हेलो हेलो, हम अपने ही ध्यान में चले थे फ्रेंड्स, आज तो पक्का ही ट्रेन आ गई थी, हमने ध्यान नहीं दिया शायद से, पता नहीं आज पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लोगों को पता ही नहीं चला हम ट्रैक पे चले हैं और ट्रेन भी आने वाली है। हेलो एवरीवन, नमस्ते, कैसे हैं आप सब, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं, हम मतलब मैं और मेरी दोस्त। तो देख लो फ्रेंड्स, आज एक बार फिर से चले हैं हम लोग रेलवे ट्रैक पे, वो इसलिए सबसे पहले तो आप लोग सुन लो, हमें कमेंट में मत बताना कि आप लोगों को समझ नहीं आता आप क्यों घूमते हो रेलवे ट्रैक पे। तो वो इसलिए घूमते हैं क्योंकि हमारे पास घूमने के लिए और कोई जगह नहीं है, रोड पे गाड़ियां चलती है, रेलवे ट्रैक पे इसलिए घूमते हैं क्योंकि ट्रेन के आने का टाइम हम लोगों को पता है, तो इसीलिए पहले हम लोग ट्रेन को जाने देते हैं, उसके बाद ही आते हैं घूमने के लिए, फिर एक घंटे तक कोई ट्रेन के आने का चांस नहीं होता है, तो बस इसीलिए घूमते हैं हम लोग रेलवे ट्रैक में। क्यों रीना, आप भी बोलो, पता है ना, पता है। हाँ, आप हमसे पहले आते हैं अपने डॉगी को लेके, स्कूबी को लेके, डॉगी नहीं है वो, हमारा प्यारा बेटा है स्कूबी, उसको लेके वो निकल जाती है ट्रेन। हाँ, ट्रेन निकल जाती है तो बस पहले स्कूबी को घुमाते हैं, उसके बाद हम दोनों खुद घूमने आते हैं। तो बस फ्रेंड्स यही कहना चाह रही थी, ये देख लो वही पुरानी रेलवे ट्रैक है हमारी जिस पे हम रोज घूमते हैं, हमें भी पता है ट्रेन कब आती है कब जाती है, तो हम ट्रेन के जाने और आने के बाद ही आते हैं हमेशा घूमने। तो हम लोग अपना ख्याल रखते हैं फ्रेंड्स, आप भी अपना ख्याल रखा करो और हमें यूं ट्रैक पे घूमते हुए परेशान मत हुआ करना। बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स हैं, फेसबुक फैमिली मेम्बर्स हमारे, जिनको हमारी चिंता रहती है कि आप लोग हमेशा घूमते हैं। एक भाई साहब तो है, वो हमेशा कमेंट्स करते हैं हमें कि छोटे बच्चे की तरह आपको हम लोगों ने कितनी बार समझा दिया है कि मत घूमा करो रेलवे ट्रैक पे। तो उन भाई साहब से मैं कहना चाहती हूँ, भैया जितनी फिक्र आपको है हमारी, उससे दो गुना फिक्र हमको भी है अपनी, तो इसलिए आप चिंता ना करें, हम तभी घूमते हैं जब ट्रेन यहाँ से क्रॉस हो जाती है। तो आज घूमते घूमते कुछ याद आया है, हमें अपनी भाषा में बोलेंगे फ्रेंड्स, है ना रीना। रीना सेब को क्या बोलते हैं, अमरे बोलिए सेब, तुम्हारे कहा बोले सेओ, सेओ कुमानी के कहा बोले आरू। देखो देखो फ्रेंड्स, हम दोनों की भाषा कितनी डिफरेंट है, हम बोलते हैं खुमानी, ये बोलते हैं आरू, हम बोलते हैं सेब, ये बोलते हैं सेओ। अच्छा, और पानी, पानी के कहा बोले चीश, पानी को बोलते हैं चीश। ये है पहाड़ी लैंग्वेज फ्रेंड्स, जो हम बात कर रहे हैं आपस में, हम बोलते हैं पानी के चाला। रीना, रीना कहा बोले चीशो खिडे में और क्या बोलते हैं, बाल्टी को तो बाल्टी बोलते हैं ना, बाल्टी बाल्टी है। घड़ा, घड़े को क्या बोलते हैं, घड़ोलू, घड़ा। ये देख लो फ्रेंड्स, अपनी भाषा में बात करनी शुरू हुई और मौसम का भी बरसना शुरू हो गया, हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है, बस अब दौड़ लगाते हैं अपने घर की ओर, भीगना नहीं चाहिए, वैसे तो बरसात का भीगना अच्छा होता है पर बीमार होने का भी डर रहता है, क्योंकि बीमार होने से बहुत ज़्यादा डरते हैं हम लोग। हाँ देखा, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम है, अगर ये बीमार हो जाएंगे तो इनके स्कूबी को कोई वॉक पे नहीं ले जाएगा, मैं बीमार हो जाऊंगी तो मैं बिल्कुल उठ नहीं पाऊंगी, चलो अगर बीमार होंगी मुझे देखने वाली तो ये है मेरी फ्रेंड,
और अगर ये बीमार होगी मैं देख तो सकती हूँ पर स्कूबी को वॉक पे नहीं ले जा सकती। तो फ्रेंड्स लोग भी है उधर पर है, हमें देख रहे हैं, पानी भरने के लिए काफी सारे लोग आए हैं। तो बस ये देख लो फ्रेंड्स 6 बजने वाले हैं और कितना ज्यादा अंधेरा लग रहा है टनल में। इसका मतलब है कि अब शायद से लग रहा है कि जल्दी दिन ढलता है, ऐसा है क्या हमें नहीं है पता। क्या पता ये बरसात की वजह से लग रहा है। हाँ हो सकता है शायद धुंध धुंध की वजह से हो, बरसात में हो शायद से, है ना। और टनल से बाहर आते ही बारिश भी थम गई, हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अपने घर के पास, वहां पे थोड़े से फूल नजर आए तो मुझे लगा क्यों ना हम लोग एक रील ही बना दे। तो बाय बाय एवरीवन।